में मौजूद बतिया और सलमान से बात करते हैं और जानते हैं इनके व्यूज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसी हैं? ठीक ठाक. इन दिस फैशन वीक हाउ डू यू फील? Master is very good. It's very international event, and it's good to show Pakistan at this kind of level and to prove that we can do these kind of events as well. And Master is really good, and the Expo Center looks great. You like old songs? Kind of. It depends which ones it is. Lata, Mukesh, Mohammed, Rafi. Yeah, I like Lata songs, and especially from Jaisi Madhubala ki Purani Gaane, and they're good. Yeah. कौन सा? हाँ, मुगले आजम, वो वाली बहुत अच्छी है. तो सॉन्ग है जब प्यार किया तो डरना क्या, वो वाला. हाँ. से बात करते हैं जो हमारे प्रोग्राम की रेगुलर व्यूअर हैं. अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? फाइन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये जो फैशन वीक हो रहा है, इस हवाले से आपकी क्या व्यूज हैं? फैशन वीक तो खैर ये मेरा, मैं चूंकि डिजाइनर खुद भी हूँ तो इसलिए मैं तो हर फैशन वीक पे पहुंची हुई होती हूँ, और ये एक्सपो सेंटर में मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। बट आई थिंक पहला फर्स्ट वाला मैंने अटेंड किया था, बहुत अच्छा था। दो मैंने नहीं किया, ग्रैंड फिनाले देखें कैसा इसका अब कैसा फीडबैक होता है, मुझे नहीं पता। ओल्ड सॉन्ग्स तो आप बहुत शौक से सुनती हैं। हाँ, ओल्ड सॉन्ग्स, क्योंकि मैं ओल्ड एरा से हूँ इसलिए ओल्ड सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। आज के म्यूजिक में और पुराने म्यूजिक में आप क्या डिफरेंस फील करती हैं? नहीं, पुरानी चीज़ों, ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीज़ें तो बहुत ही खूबसूरत, उनके लिरिक्स, उनके एक्ट्रेसेस और हर चीज़ पुरानी, मुझे तो आई लव ओल्ड एज, और जो भी जितने भी ओल्ड एज के एक्टर्स एक्ट्रेसेस मूवीज़ गाने, बल्कि यंगस्टर्स भी हमें वही आजकल सुन रहे हैं, मुझे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपकी पसंद का कोई सॉन्ग जो हम आपको डेडिकेट करें? हाँ, मेरे कॉलेज के ज़माने का एक गाना है जी, मैं शायर तो नहीं, मेरे ख्याल बॉबी की फिल्म का गाना है, लेकिन गुनगुना नहीं मैं सक आवाज़ इतनी गुनगुनाने का नहीं, लेकिन मैं शायर तो नहीं, वो बहुत ही खूबसूरत गाना है शैलेंद्र का, और बहुत हमारे ज़माने का 70s का गाना है, जब हम कॉलेजेस में थे, बहुत ही खूबसूरत गाना। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। शायर जैसे
इबादत मैं करने लगा, मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हसीन जब से देखा मैंने तुझको मुझको बंदगी आ गई, मैं शायर तो शायरी आ गई, मैं शायर तो नहीं। अपनी व्यूअर फरिश्ते असलम से बात करते हैं और जानते हैं इनके व्यूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी आप? हैप्पी टू बी हियर, खुश हूँ कि हम यहाँ हैं आज। जो फैशन वीक हो रहा है, इस हवाले से आपकी क्या थिंकिंग है, कैसा लगा? फैशन वीक बहुत जरूरी है फॉर द बिजनेस ऑफ फैशन। हर एक डिज़ाइनर को पाबंद करता है कि साल में दो बार दे पुट आउट अ कलेक्शन जो कि फिर बाद में दुकानों में बिके, एंड दैट इज़ हाउ इट्स डन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दो साल से लाहौर में हो रहा है, ये कराची में हो रहे हैं, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चलते रहें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो फैशन वीक है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इसकी बहुत ज़रूरत थी, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी बहुत, मेरा मतलब है, बहुत वैल्यू है, तो पाकिस्तान में भी इस तरह का सेटअप हो गया है? पाकिस्तान में बहुत इसकी अहमियत है क्योंकि हमारे यहाँ अब फैशन स्कूल्स बहुत हैं। लाहौर का PIFD इज़ टर्निंग आउट एक्सलेंट टैलेंट। इनकी जो ट्रेनिंग होती है PIFD स्टूडेंट्स की, दैट्स एट एन इंटरनेशनल लेवल, और इतने यंग डिज़ाइनर्स निकले हैं उस स्कूल में से, और फैशन वीक उनको एक मौका देता है कि वो अपने टैलेंट को दिखाएँ। सो यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ भी हो। अच्छा फरिश्त, ओल्ड सॉन्ग सुनती हैं आप? ओह, आई लव ओल्ड सॉन्ग। आपकी पसंद का कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? मुझे नूरजहां के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, वो है ना आवाज दे कहाँ है, अनमोल घड़ी से आवाज दे कहाँ।